स्थिति है, ये बहुत ही चिंताजनक है। और अभी 10 मिनट पहले वहाँ से फोन आया था, और नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन वो झारखंड के हैं, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो ऑथेंटिक जानकारी है 25 लोगों को काट दिया गया है, और 20 तारीख तक इन लोगों को अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि आप जल्दी तमिलनाडु खाली करो, और नहीं तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। और हमने कहा कि भाई आप जल्दी वहाँ से निकलो, लेकिन ऐसा इस परिस्थिति में है कि भैया ट्रेन भी बंद है, तो स्थिति बहुत नाजुक है। और झारखंड के भी हैं, बिहार के भी लोग हैं, बहुत लोग केरल में हैं, बहुत जगह लोग हम, लेकिन आज जो आए हैं बिहार से भी लोग आए हैं, बिहार के लोग भी आए हैं, अब ये लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो कल हम सदन में माननीय मुख्यमंत्री को या आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि आप वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें, और जितने झारखंड के हमारे लोग वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं इस विषम परिस्थिति में, उसको एक जगह लोग एकत्रित करें और वहाँ से लोगों को सुरक्षित होकर के लोगों को आने का लाने का काम करें। क्योंकि ये मजदूर ट्रैफिक क्लास के हैं, बहुत लोगों ने कहा कि हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है, कैसे जाएंगे, तो फिर भी बोला कि आप लोग इधर उधर से जुटा लेंगे, जान तो बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैदल कितना तो निकल सकते हैं। बड़ा सुन करके हमको मैंने बहुत दिल पे दर्द हो लगा हुआ हुआ, और कल हम इस बात को सदन में उठाएंगे, और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को से हम आग्रह करते हैं, नम्रपूर्वक आग्रह करते हैं, जो कि झारखंडी है और गरीब लोग हैं, ये पेट पालने के लिए, घर को चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए लोग गए हैं, विषम परिस्थिति पर पड़े हुए हैं। पहला काम माननीय मुख्यमंत्री जी करें, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें, और जितने झारखंडी हैं या जो बिहारी हैं बिहार से भी वहाँ वो लोग बात करेंगे, बट हम झारखंड की बात बोलते हैं, जितने हमारे झारखंड के लोग फंसे हुए हैं उसी परिस्थिति में, ये वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें, और बात करके लोगों को एक जगह सुरक्षित जगह में एकत्रित करके उन लोगों को लाने का व्यवस्था करें। क्योंकि उन लोगों का कारण था, रोते हुए लोगों ने बोल रहा था कि हम लोग कैसे जाए, क्या करें, नहीं करें, आप कुछ करिए हम लोगों के लिए, और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इमीडिएट वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें, और उन लोगों को एक जगह सही सलामत ला करके उन लोगों को लाने का व्यवस्था करें, क्योंकि अभी ट्रेन भी बंद कर दिया गया है, बहुत असमंजस स्थिति में, और अल्टीमेटम दे दिया गया है 20 तारीख तक का, अब ज़्यादा समय है नहीं, इसलिए पुनः फिर हम आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर पहल करें और शीघ्र पहल करें।